गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू A1 एजुकेशन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आई एम आकाश श्रीवास्तव, गोइंग टू टीच यू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ AVRS, अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशंस। ओके, हमारे रिश्तों को समझना। हम इस चैप्टर में कुछ रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे रिश्ते होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आपको ये वीडियो देखने से पहले आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद ही आपको वीडियोस देखना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको चैप्टर को रीड करने के बाद ही वीडियो देखने हैं, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। संजना एंड सलमा यूज टू स्टडी देयर टुगेदर इन स्कूल। संजना और सलमा दो लड़कियां हैं, दोनों एक ही साथ एक विद्यालय में स्कूल में पढ़ती हैं। संजना वाज वेरी सैड, संजना बहुत दुखी थी। क्यों? वन डे सलमा आस्क्ड हर व्हाई आर यू सो सैड टुडे। एक दिन क्या हुआ, संजना बहुत दुखी थी, ठीक है। तो सलमा ने पूछा कि भाई तुम दुखी क्यों हो। संजना सिर्फ ना कहती है, माय मदर्स हेल्थ इज बैड, मेरी माता जी की तबीयत नहीं ठीक है। सलमा से डोंट वरी, वी विल सिट टुगेदर इन द लंच एंड लंच ब्रेक एंड टॉक इन डिटेल। चिंता मत करो, हम लंच ब्रेक में साथ बैठते हैं, बैठ करके डिस्कस करेंगे। आंट विल बी फाइन सून, आंटी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। अब ड्यूरिंग द लंच ब्रेक का समय है। सलमा कहती है, हाँ संजना बताओ क्या हुआ था मम्मी को। संजना से, मॉम हैज हाई फीवर सिंस यस्टरडे, माँ को कल से बहुत ज्यादा बुखार है, बहुत तेज बुखार है। सलमा कहती है, डिड यू चेक हर डॉक्टर, क्या तुम उनको डॉक्टर के पास ले गए। संजना कहती है, यस डॉक्टर हैड प्रिस्क्राइब मेडिसिन फॉर मदर, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं मेरी मदर को, ठीक है। एंड माई आंट एंड ग्रैंड मदर, मेरी आंट और मेरी ग्रैंड मदर जो है वो उनकी देखभाल कर रही है। सलमा, You need not worry as you live in a joint family. तुम्हें तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम joint family में रहते हो। Joint family का discussion आपने पढ़ा होगा, class 3 में पढ़ा है, class 4 में भी इनके बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक। सुना कहती है, Yes, all my family members live together. हाँ, मेरे family members तो साथ साथ ही रहते हैं। Grandfather, grandmother, uncles, aunts, उनके बच्चे, their kids, all of us live together. सलमा कहती है, You need not worry, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे घर में तो सभी कोई है तुम्हारी मदर की देखभाल करने के लिए। She will be fine within 2 or 3 days. चिंता ना करो, 2-3 दिनों में वो ठीक हो जाएंगी। I have my father, mother, younger sister in the house. मेरे घर में तो केवल father हैं, mother हैं, younger sister ही हैं, ठीक है? Okay, next page में आते हैं हम लोग। In your previous class में आपने पढ़ा था, ठीक है, nuclear family, joint family के बारे में। nuclear family में केवल parents होते हैं जो अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए होते हैं। joint family में और बहुत से लोग होते हैं जो बच्चों की देखभाल करते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको खुद से करने हैं। ओके, पेज नंबर 7, अ फैमिली ट्री। फैमिली ट्री क्या होता है? जब डिफरेंट रिलेशन जनरेशन वाइज, मतलब एक फैमिली का जनरेशन वाइज होता है ना, ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर उनके बच्चे, मतलब ऐसे कोई जनरेशन वाइज होता है। एक फैमिली का जनरेशन वाइज चार्ट होता है, उसको जब हम एक चार्ट के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फैमिली ट्री, ठीक है। आप अगर यहाँ पे एक फैमिली ट्री बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। संजना के फादर जगदीश, जो उसके फादर के फादर ग्रैंडफादर हैं मोतीलाल, जो संजना के ग्रैंडफादर हैं, ठीक है। वो अब मोतीलाल के फादर हैं, वो कौन है? वो क्या कहलाएंगे? वो संजना के ग्रेट ग्रैंड फादर कहलाएंगे। वैसे ही संजना, फिर उसकी मदर रितु, फिर उसकी ग्रैंड मदर जो है कमला, फिर उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर जो है वो कौन है? धाकू बाई। इस तरीके से जो एक जनरेशन वाइज जो एक चार्ट में दिखाया जाता है उसको हम बोलते हैं फैमिली ट्री। करना क्या आपको, आपको एक फैमिली ट्री बनानी है पैटर्नल की साइड की और मैटर्नल की। अब ये पैटर्नल क्या है, मैटर्नल क्या है? पैटर्नल मतलब फादर के रिलेशन में जो
रिश्ते हैं वो पैटर्नल फैमिली हुई, मदर की तरफ जो रिश्ते हैं वो हो गए मैटरनल फैमिली। ठीक है, तो आपको उसकी फैमिली ट्री बनानी है दिए गए डायग्राम की हेल्प लेकर के। When Salma came back home, अब क्या होता है सलमा घर से फिर वापस आती है स्कूल से, she asked her father, वो अपने फादर से पूछती है, why do my grandfather, grandmother, uncle and aunt not live with us? हमारे grandfather, grandmother, uncle, aunt जो हैं, ये हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं? Dad, why did our family shift so far in the city? हमारा परिवार इतने दूर शहर में आके क्यों बस गया? Can we not live together? क्या हम अपने फैमिली के साथ गांव में नहीं रह सकते हैं? ठीक है, सोचना है, उत्तर देना है आपको कि क्यों, what would सलमान फादर have answered to her? सोचिए कि सलमा के फादर ने उसको क्या उत्तर दिया होगा। अब आपको डिस्कस करना है। Nowadays, आजकल families are migrating to cities to earn a livelihood or to get higher education. आजकल क्या होता है बेटा कि फैमिली होते हैं, परिवार जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने गांव को छोड़ करके दूसरे जगह जाके बस जाते हैं, कभी कभी जॉब के लिए या कभी कभी हायर एजुकेशन बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए। ठीक है, गांव में इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस, शहरों में कई ऐसे मकान होते बहुत छोटे होते हैं, गाँव में देखा होगा किसी अगर गाँव में होगा तो बहुत बड़े मकान होते हैं, खुला जगह होता है, शहरों में ऐसा नहीं होता है। शहरों में गांव घर छोटे होते हैं, इसलिए लोग टुकड़ों में बट जाते हैं, क्यों जाते हैं, ताकि वो भाई इतने लोग एक साथ पढ़ा पाएंगे नहीं, इसलिए लोगों को मजबूरी वर्ष लोगों को अलग होना पड़ जाता है। और भी कई रीजन हैं इसके अलावा, यूज जैसे कि यूज नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, काफी ज्यादा मेंबर्स हुआ है फैमिली में। ठीक है, उनकी हैबिट्स, बिहेवियर, फाइनेंशियल कंडीशन, पोटेंशियल टू बेयर एक्सपेंसेस और कंटीन्यूअस चेंजेस इन द वे सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, मतलब सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, सबके थॉट्स अलग होते हैं, तो इन सभी चीजों की वजह से जो रीजन होते हैं उन वजह से फैमिली क्या होती है वो टूटती है, फैमिली अलग हो जाती है। पेज नंबर नेक्स्ट है, उसमें टॉपिक है अडॉप्शन। टॉपिक है अडॉप्शन, मतलब होता है गोद लेना, क्या करना, गोद लेना। ड्यूरिंग रेन सीजन, बरसात के मौसम में सलमा संजना कहाँ गए, गार्डन में पिकनिक मनाने के लिए गए स्कूल से दूर। दे हैड फन विद देयर क्लासमेट, वहां उन्होंने अपने क्लासमेट साथ में फन किया, काफी एंजॉय किया जब वो खेल, ठीक है, व्हाइल प्लेइंग एंड ईटिंग टुगेदर। व्हेन दे वर हैविंग लंच इन द गार्डन, जब वो गार्डन में खाना खा रहे थे, लंच कर रहे थे, मोहन One of their classmates, उनके क्लास का एक लड़का मोहन जो है उसने पूछा किससे, योगी से, Who has come with you? तुम्हारे साथ ये कौन आया है? योगी कहता है कि She is my younger sister, यह मेरी younger sister छोटी बहन है। मोहन कहता है Before this I have never seen her with you, मैंने तो इसे तुमसे तुम्हारा कभी नहीं देखा पहले, मतलब इससे पहले भी तुम आए हो लेकिन तुम्हारे साथ तो कभी ये थी ही नहीं, अचानक से ये कहां से आ गई? योगी कहता है She is new in our family, क्या हमारे फैमिली में नई सदस्य है, नई मेंबर है, मेरे पेरेंट्स ने इसको अडॉप्ट किया है, मतलब गोद लिया है। As I am my parents' son, जैसे मैं अपने पेरेंट का सन हूँ वैसे ही अब ये उनकी डॉटर पुत्री है। सो इस तरीके से She is my sister, यह मेरी बहन हुई। I like her very much, और मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। She always stays with me, यह हमेशा मेरे साथ रहती है, और and keep imitating me, और हमेशा मेरी नकल करती रहती है। ठीक है? तंत्र का providing legal protection, किसी को वैधानिक रूप से संरक्षण देना, ठीक है, to a related किसी रिश्तेदार के बच्चे को या किसी दूसरे बच्चे को, इस प्रोसेस को adoption करते हैं। ठीक है, when someone provide legal protection to a child, so the process is called adoption. ठीक, अगर आपने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको देखना है। Who resembles with whom? कौन किससे मिलता है? कहते हैं कि देखो जब बच्चा पैदा होता है इसकी नाक मम्मी से मिल रही है, इसकी आंखें पापा से मिल रही हैं, तो इसी को resemble करना कहते हैं। संजना हर सिस्टर पिंकी,
अब क्या कर रहा है, संजना और उसकी जो सिस्टर है पिंकी एंड हर मदर और उसकी माँ जो है वो अपने वेंट टू अटेंड हर अंकल्स मैरिज, और वो अपने संजना से अपने मामा जी की शादी में जाती है। शी मेट विद हर आंट देयर, वहां वो अपने आंट से मिलती है, अपने मौसी से मिलती है। हर आंट वॉज कैरिंग अ लिटिल डॉटर, उसकी आंट जो थी उसकी मौसी जो थी वो एक छोटी सी बच्ची को साथ ली हुई थी। पिंकी कहती है मॉम लुक, माँ देखो कितनी ब्यूटीफुल कितनी सुंदर बच्ची है, ओ माँ देखो इसकी नाक तो नानी माँ पे गई है और इसकी आंखें तो मामा जी पे गई हैं, ठीक है। पर कॉम्प्लेक्शन फेयर एंड फादर, इसका रंग जो है वो किस पे गया है, दादाजी पे गया है। लेकिन बट हर ब्रदर्स कॉम्प्लेक्शन इज अ लिटिल बिट डार्क, लेकिन इसका भाई हल्का सा काला है, सांवला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संजना आस्क्ड मदर, संजना अपनी माँ से पूछती है मॉम देयर इज अ गर्ल अंदर माय क्लासमेट्स हु राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड, माँ मेरे क्लास में एक लड़की है जो बाएं हाथ से लिखती है, लेफ्ट हैंड से लिखती है, लेकिन उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। शी हैज गॉट अ प्राइज फॉर हर हैंडराइटिंग, उसको अपनी हैंडराइटिंग के लिए प्राइज भी दिया गया है। मैंने उसे पूछा कि वह राइट हैंड से क्यों नहीं लिख पाती है, वी ऑल राइट विद आवर राइट हैंड, हम सभी तो अपने दाहिने हाथ से लिखते हैं, तो वो क्या कहती है, शी सेड दैट शी डिड नॉट शी डिड ऑल हर वर्क विद हर लेफ्ट हैंड, कि वह अपना सारा काम बाएं हाथ से करती है। शी इवन ट्राई टू राइट, यहां तक कि वह कोशिश भी करती लिखने का राइट हैंड से, लेकिन वह लिख नहीं पाती है। आप में से कई लोग राइट यूज करते हैं, मी टू, मैं भी राइट करता हूं, मैं चाहूं भी लिखना लेफ्ट से तो मैं लिख नहीं पाता। ऐसे ही जो लोग लेफ्ट यूज करते हैं वो चाह करके भी राइट यूज नहीं कर पाते हैं। ओके, अब क्या कर रहा है, वी मस्ट नो, हमें कुछ पॉइंट्स यहां पे दिया हुआ जो जानना ही चाहिए। ग्रेगर जॉन मेंडल ने पहली बार लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की खोज की थी जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पी प्लांट मतलब मटर के पौधे पर, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना इन्होंने कई रिसर्च पेपर्स लिखे थे, कई रिसर्च उन्होंने किए थे, ठीक है। डिटरमिनेशन ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही वॉज अवार्डेड, और इस काम के लिए इनको नोबल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। अब पिंकी समझ गई कि कोई व्यक्ति अपने पेरेंट्स से या फैमिली मेंबर से किस तरह रिजेंबल करता है। तो बेटा इस तरीके से आपने चैप्टर में पढ़ा फैमिली के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में और जेनेटिक कैरेक्टर्स के बारे में आपने समझा, ठीक है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर से वो आपको कर लेने हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।